बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग अब सब लोगों को पता है कि जो हमारा इस दफ़ा मिड टर्म की जगह ग्रैंड क्विज़ होनी है और हमारी अनाउंसमेंट आ चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि ग्रैंड क्विज़ हम किस तरह करेंगे। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रैंड क्विज़ आपने कैसे करनी है, और आप लोगों ने एक्सटेंशन के मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का, उसको यूज़ करने का, उसके ज़रिए अपने क्विज़ में हेल्प लेने का सारा तरीकाकार बताऊँगी, ठीक है। जो मैंने मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और 4 साल में मैंने जो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सीखा है, मैं वो आपको अपने जो सारे टिप्स हैं वो मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग अपने जो है मिड टर्म जो है आपके ग्रैंड क्विज़, अब इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, कैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, कैसे आपने अपने क्विज़ की तैयारी करनी है, ठीक है, कैसे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल कैसे करनी है, ठीक है। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, तो आप लोगों को इसका कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और उसे आप और कुछ नहीं दे सकते, तो इतना रिवार्ड दे सकते हैं कि आप उसकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसकी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आप सब लोग अपने ब्राउज़र में जाएंगे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, आप लोग फायरफॉक्स पे एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे वीजू क्विज़ कॉपी एक्सटेंशन, ठीक है। ये एक्सटेंशन सबसे अच्छी है, जो टॉप पे आपको एक्सटेंशन शो होगी क्रोम डॉट गूगल वालों की, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सटेंशन शो हो जाएगी, ठीक है। ये वाली एक्सटेंशन, इसका इस तरह का लोगो होगा, ठीक है, शेरोज़ अहमद की तरफ से है ये, ठीक है, और इसके 30,000 से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, ठीक है। आप इसे करें, इस पर क्लिक करें ऐड टू क्रोम, ठीक है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप लोग इस पे क्लिक करें ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करें आप लोग, चेकिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसे ऐड एक्सटेंशन कर लिया है, ठीक है। आप इसके बाद ये आपको नीचे जो थोड़ा सा पजल बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि सेकंड नंबर पे कि ये वीजू की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आपने इसको पिन कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे शो ना हो तो आप लोग मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और यहाँ से आप उसको अपने एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपको यहाँ पे शो नहीं होगी तो आपको यहाँ पे ये बंद होगा, ठीक है। इसे आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे पिन कर लें, यहाँ पे पिन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे शो होने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये शो होने लगी तो अब मैं आप लोगों को एक क्विज़ अटैम्प्ट करती हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि आप जो है इसको अब यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमारी ये क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो गई है, ठीक है। तो अपने LMS को ओपन करेंगे, व्यू LMS, मैं इसे लॉगिन करके वीडियो थोड़ी देर पास करती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये आईडी लॉगिन कर लिया है। तो आप लोगों ने इस एक्सटेंशन को यूज़ करने से पहले आपको मैं एक टिप देते चलूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने कि जो भी कोर्स कोड होगा, आपने उस कोर्स कोड को पहले आपने जाके YouTube पे सर्च करना है, ठीक है। आपकी जितने भी कोर्स कोड होंगे आप लोगों ने उसे जाके YouTube पे सर्च करना है, और आप लोगों ने यह देखना है कि आप लोगों के जो भी पहले लेक्चर्स, पहले जो क्विज़ हो चुके हैं जो स्टूडेंट शेयर करते हैं, आप लोगों ने यह देखना है कि उसमें एक्सटेंशन का यूज़ हो भी सकता है या नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटेंशन से नहीं मिलती, वो आपको हैंड आउट से मिलने पड़ते हैं, ठीक है, थीके? और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक्सटेंशन से मिल जाते हैं, लेकिन एक्सटेंशन से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ENT 101 का क्विज़ है, ये एक्सटेंशन से मिल जाता है, और कुछ जैसे MTH 101 का क्विज़ है, ये आप लोगों को एक्सटेंशन से नहीं मिलेगा, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको हैंड आउट से मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको हैंड आउट से ढूंढने का तरीका भी बताऊँगी, ठीक है, और आपको मैं जो है एक्सटेंशन यूज़ करके भी जो है क्विज़ करने का तरीका बताऊंगी, ठीक ठीक है। तो टाइम की ज़ाया किए बगैर हम इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग स्टार्ट क्विज़ पे क्लिक करेंगे और आपका क्विज़ आ गया है। देखिए, पूछ रहे हैं क्लोज प्रोसीजर हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ। अब आप लोगों ने अगर हैंड आउट पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा इसको देख के कि ये आपको हैंड आउट से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेवलपिंग द हैबिट ऑफ, इस पर जाएंगे, यहाँ पे Ctrl+F, सॉरी ENT 101 के हम हैंड आउट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक्सटेंशन लगा लें साथ उतनी देर, जितनी देर में ये ओपन होते हैं। आपने
इसके एक्सटेंशन के लोगों पे क्लिक करना है, ठीक है, और कॉपी एंड सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। कॉपी एंड सर्च पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया है कि ये रीडिंग क्लोज इंस्ट्रक्शन, ये आपको इसे हम जाके हैंड से सर्च करते हैं, हैंड से ही मिल जाएगा। हैंड में हमने जाना है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ डायल करना है तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हैबिट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, द क्लोज हेल्प डेवलपिंग हैबिट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। आपको पता लगेगा कॉन्सेंट्रेटेड है इसका आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इसने कॉन्सेंट्रेटेड पे क्लिक करके सेव कर देंगे। अच्छा, अब आपने कहा है कि ये कैपिटल जो वर्ड है इसको आपने जो है बेस्ट कौन सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने इस वर्ड का मीनिंग देखना है, तो आप लोग यहाँ से एक्सटेंशन लगा लें, ठीक है। अब इसमें ये एक क्रेडिबल वर्ड है, इसको आप कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पे आप लोग पेस्ट करें। अब हमने इसका मीनिंग देखना है ना, तो आप लोगों को गूगल सारा मीनिंग बता देगा कि ये मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने यही कहा है कि जो ये इस वर्ड की मीनिंग है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हमने इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम उसके साइनोनिम्स देखेंगे, उसके मीनिंग्स में सारा कुछ आ जाएगा। ये देखिए, इसके जो मीनिंग्स में बिलीवेबल आया है, ठीक है, बाकी सब हैं लेकिन वो इतने हमारे रेलेवेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे बिलीवेबल लगा देंगे। ठीक है, इस पर बिलीवेबल लगा के हम नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वन वाइटल एस्पेक्ट ऑफ इज एबिलिटी टू असेस एंड एवेलुएट द टेक्स्ट। अब आपको पता है कि ये इसे एक्सटेंशन लगाएं आप लोग फर्स्ट पे। अच्छा जी, एक्सटेंशन पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसको, और फिर आप इसको ओपन करें, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये हैंड रोड से आप लोग को मिल जाएगा, असेस एंड एवेलुएट। अपने हैंड रोड में जाएँ, कंट्रोल प्लस एस, असेस एंड, ये देखिए, वन एस्पेक्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी। आप लोगों को पता लगेगा इसका आंसर क्या है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसका आंसर है। आप लोगों ने बस अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है कि कौन से वर्ड से कौन सा मुझे जो है एब्सक्यूज का आंसर मिल सकता है, ठीक है। ठीक है जी, क्विज नंबर 3 हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इनफ्लेक्शनल क्लोज इज अ गुड टू फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रामर इन आ। अच्छा जी, आप प्रैक्टिसिंग ग्रामर लिख लें, ये एक्सटेंशन से भी हो जाएगा, प्रैक्टिसिंग, ये देखिए इन्फ्लेक्शन क्लोज में यह है कि ये क्लोज जो है प्रैक्टिसिंग ग्रामर के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो कनेक्टिंग दी पैसेज, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इनकनेक्टेड पैसेजेस, ठीक है। इसे हम अभी वैसे एज सेट MCQ जान नहीं रहा जिसे गूगल से फाइंड किया जाए, इसलिए हैंड रूल यूज़ कर रही हूँ मैं। डिस्क एंड टेप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ लाइब्रेरी, इसका ये MCQ आंसर है। ये प्रेपोजिशन है, ये आप लोगों को एक दफ़ा लाजमी इन, एट, ओ, ऑन, इन, टू, इन सब चीज़ों को इंग्लिश क्विज के लिए याद कर लें। तो नेक्स्ट है बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। माई फ्रेंड एंड आई कम्बाइन मनी, ठीक है, बट दिस सम वाज नॉट इनफ टू बाय अ बाइक। इसे आप एक्सटेंशन लगा के भी बेसिक सर्च कर लें। ये वीयू स्टूडेंट लिंक जो है, यहाँ से आपको अक्सर अवकात आंसर्स नहीं मिलते। जेनरिका जो वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को आंसर्स मिल जाते हैं। आपको वो वेबसाइट अगर शो हो तो आप फौरन उसे ओपन करें, ठीक है। कोई वेबसाइट आ नहीं रही ऐसी जिसे मैं आपको ढूंढ के बता सकूं, लेकिन मैं अगर ना भी आया MCQ उसमें तो मैं आपको फिर भी बता दूंगी कि कैसे सर्च करना है हमने। अच्छा जी, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग बेस्ट ऑप्शन, इसे भी आप एक्सटेंशन लगा लें, इस पर क्लिक करें, सर्च पर क्लिक करें, ठीक है। आप लोगों को यहाँ से आंसर पता लग जाएगा, जो थोड़ा सा होता है यहाँ से आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये ऑन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, इसको आपने अपने एलिमेंट इसे कॉपी करना है यहाँ से। इस वेबसाइट जब की ओपन होगी तो आपने कंट्रोल प्लस एफ डायल करना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके आपने यहाँ पे आगे ला के पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया होगा, ठीक है। तो
ये आपसे आपको आंसर पता लग जाएगा, किसी भी वेबसाइट से आपको आंसर पता लग जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ ऑल अदर्स ऑन हिस्ट्री, ठीक है, इसका ये आंसर बनता है ऑफ ऑल अदर्स ऑन हिस्ट्री। एक दफ़ा फिर आप टैली कर लें, अपने ये काम जल्दी जल्दी करना है। ऑफ ऑल अदर्स ऑन हिस्ट्री, ऑफ ऑल अदर्स ऑन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में सबसे अच्छी बुक ये है। सेव करें। नेक्स्ट है जी, क्या चीज़ सेंट्रल है मैच्योर राइटिंग के लिए? तो आई थिंक ये गुड आर्गूमेंटेशन होती है। हम इसे एक्सटेंशन लगाते हैं। यहाँ से जो शोर सा दिया होगा उन्होंने, थोड़ा सा अपने उससे देखना है कि आपको इस वेबसाइट से आंसर मिलेगा भी या नहीं है, मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर नहीं मिल रहा, तो आप गुड आर्गुमेंटेशन ही लगा लें। पेज क्वांटिटी, पेज क्वालिटी, एंडिंग, ये मेच्योर राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। आर्गुमेंटेशन अगर आपको आते हैं तो आपकी मेच्योर राइटिंग हो सकती है। अच्छा जी, कंप्यूटर कैरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अच्छा, आप इसे सर्च करें। कंप्यूटर की दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी होती है, सेकेंड प्राइमरी, सेकेंडरी। इसका भी सेकेंडरी ही है। टॉपिक सेंटेंस दैट गिव यू आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड आर यूज वाइल, आई थिंक दिस इज स्कैमिंग। इसे आप सर्च करें। आइडिया ऑफ द कंट्रोल प्लस है, मेन आइडिया, टॉपिक सेंटेंस एंड कोहेरेंट, कंट्रोल प्लस है, स्कीमिंग। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप एमसीक्यू को, एमसीक्यू का जो ऑप्शंस है उनको देख के आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको तब भी आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये स्कीमिंग ही लगा देते हैं, ठीक है, सेव कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया एक क्विज की अटेम्प्टेशन, ठीक है। तो अगर आप इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगी, आप लोगों की इस तरह के क्विज आया ही नहीं कि आपको मैं किसी वेबसाइट से सर्च करके बता देती, लेकिन आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ से आप लोगों को जो है क्विज सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये ENPA 301 का सोल्व MCQs थे, तो इसके लिए ये फाइल है। आप लोग यहाँ से हैंडआउट से सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करके, ठीक है। और अगर किसी वेबसाइट से सर्च करना है तो जो मेरी पिछली वीडियोस हैं लाइव अटेम्प्ट वाली, आप उनको देख लें, उनमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे हमने कैसे मैं सर्च करती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जैसे कि ये जेनेरिक का वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, इसको वेबसाइट को ओपन करें। अगर आपको ये वेबसाइट कहीं से भी नज़र आए तो आप लोगों ने इसको फ़ौरन ओपन कर लेना है, कंट्रोल प्लस। दो तीन वेबसाइट्स को आपने कंट्रोल प्लस इंटर करके ओपन कर लेना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने जाके कोई भी चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है तो आप लोगों ने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है उस वेबसाइट पे, ठीक है। और वो वर्ड जहाँ जहाँ पे होगा आप लोगों ने वहाँ पे उस सर्च बार में लिखेंगे, और वो आपको कोई भी लाइन लिखेंगे तो पता लग जाएगा ये लाइन है, ये इसका ये MCQ है, ये आंसर है, ठीक है। नंबर दो टिप्स ये हो गई। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने जब भी कोई सबसे पहले तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने अपने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जो है उसे अपने क्रोम में ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपने कोर्स को यूट्यूब पे जाके लिखना है कि ये मेरा कोर्स है, इसका ये क्विज़ है, ये ग्रैंड क्विज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है कि उसकी जो लाइव अटेम्प्ट देखनी है, पता लग जाएगा आप लोगों के इसकी जो है एक्सटेंशन से आप लोगों को आंसर मिलेंगे या आप लोगों को हैंडआउट से आंसर मिलेंगे। कुछ कोर्सेज के हैंडआउट से आंसर मिल जाते हैं, बल्कि उनके सारे मिलते ही हैंडआउट से हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कंट्रोल पास ऐप से यहाँ से हैंडआउट से फाइंड करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि वो एक्सटेंशन से यूज़ होंगे तो आप लोगों ने फिर उसे गूगल से सर्च करना है, ठीक है। अगर आपका किसी भी इंग्लिश कोर्स का कोई भी क्विज़ है तो आप लोगों ने अपने मोबाइल की जो डिक्शनरी है उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। डिक्शनरी अच्छी कुछ कोई भी प्ले स्टोर से जाके आप लोग लिखें इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी आप लोग इंस्टॉल कर लें, डिक्शनरी से आप लोग वर्ड के मीनिंग देख लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फाइंड हैंडआउट से करना है, इंग्लिश डिक्शनरी भी आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, और आप लोगों ने जब भी ग्रैंड क्विज देना है
तो आप लोगों ने उसके जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं आप लोगों को ग्रैंड क्विज़ की, आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देखनी है, ठीक है। क्योंकि इनका जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो क्विज़ बैंक है, ये इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट बहुत होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने जो है क्विज़ को अटेम्प्ट करने से पहले जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ग्रैंड क्विज़ हैं उन्होंने आप लोगों ने वो ग्रैंड क्विज़ को यूट्यूब से सर्च करना है। जैसे कि IISL 201 का ग्रैंड क्विज़ है, ठीक है, आप लोगों ने इसकी वीडियोस को वॉच करना है, लाइव अटेम्प्ट्स में आप लोगों ने वॉच करना है, ठीक है। तो आपकी ये प्रिपरेशन उन क्विजेस से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोग पिछले ग्रैंड क्विज देख लें, आप लोग बेशक इस दफ़ा के जो ग्रैंड क्विज होंगे उनको देख लें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, देखें आप मेरे चैनल के सिर्फ 333 सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो पर कम से कम 50 सब्सक्राइबर या 100 सब्सक्राइबर जरूर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझसे जो कुछ हो सका आपके ग्रैंड क्विज़ के लिए मैं करूँगी। तो आपको मैं बता दूँगी कि मैं कौन कौन से स्टूडेंट्स के किस किस कोर्स के जो ग्रैंड क्विज़ हैं वो अटैम्प्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरा चैनल ग्रैंड क्विज़ के दिनों में लाजमी देखना है, क्योंकि मैं जो भी क्विज़ अटैम्प्ट करूँगी मैं उनकी लाइव अटैम्प्टेशन जो है अपने चैनल पर लाजमी पोस्ट करूँगी, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा किस क्विज़ किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से नहीं आ रहे, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दुआओं में याद रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक आपका आपके क्विजेज़ के लिए, ग्रैंड क्विजेज़ के लिए।